हम लोग रायरंगपुर में नहीं रुके और यहाँ एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है सुलईपाड़ डैम। ये तहसील और ऋतु आगे आगे जा रहे हैं। हम लोग डैम के ऊपर में हैं और डैम का ऊपरी हिस्सा ये है और निचला हिस्सा इस तरफ है और यहाँ एक रास्ता है अंडरग्राउंड रास्ता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज तहसील और ऋतु को हम पहुँचाने जा रहे हैं रायरंगपुर, जहाँ हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय जी का भी आवासीय क्षेत्र पड़ता है। तो अभी हम लोग निकलते हैं। ये बाइक है, इसी बाइक से हम लोग जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से हम लोग का यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर पड़ता है। तहसील ऋतु का परीक्षा ख़त्म हो गया है और अभी स्कूल भी बंद है, इसीलिए उसके मामा घर हम छोड़ रहे हैं, उधर कुछ दिन तक रहेगा। तो अभी हम लोग निकलते हैं और आप लोग से मिलते हैं रायरंगपुर में। करीब 45 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उड़ीसा बॉर्डर। वेलकम टू उड़ीसा। और उस तरफ छोड़ दिए झारखंड। थोड़ा देर रेस्ट लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। उस तरफ हम लोग का झारखंड का साइन बोर्ड लगा है और इस तरफ ये उड़ीसा का साइन बोर्ड। अभी हम लोग यहाँ से दोबारा निकलेंगे। बैग पकड़ पकड़ करके ऋतु और तहसील थक चुका है, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। और रायरंगपुर पहुँचने से पहले एक छोटा सा सिटी पहुँचता है जिसका नाम है बहलदा, और यहाँ से लगभग करीब 6 किलोमीटर है। तो चलिए दोबारा से अभी हम लोग निकलते हैं। चलो, हम लोग बहलदा सिटी पहुँच गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रास्ता वास्ता कर लिए। और ये इधर ऋतु खड़ी है, ये होटल था, यहीं पर हम लोग नाश्ता किए। और ये बहलदा सिटी है, कुछ इस तरह से है। दोबारा से अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे रायरंगपुर के लिए। ये इस तरफ जमशेदपुर जाते हैं और इस तरफ से रायरंगपुर। तहसील का मामा घर पहुंच चुके हैं और तहसील लोग अंदर घुस चुका है। ये यहाँ पर तहसील और ऋतु और उसका मौसी, इधर धान सुखा के रखी है। ये जूता खोल दिया है और अभी धोने के लिए जा रहा है। ये दोनों अभी पांव धो रहा है। तहसील के मामा घर में करीब आधा घंटा रेस्ट लेने के बाद में तहसील और ऋतु को हम घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है और साथ में आप लोग भी हमारे साथ उस व्यू पॉइंट का आनंद लीजिए। आप चलते हैं और आप लोग को बताते हैं कि हम लोग किस व्यू पॉइंट पर घूमने के लिए जा रहे हैं।
हम लोग रायरंगपुर में नहीं रुक के और यहाँ एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है सुलईपाड़ डैम। हम लोग सीधे चले आए यहाँ पर और ये अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ सुलईपाड़ डैम का लोकेशन और यहाँ का व्यू पॉइंट। ये तहसील और रितु आगे आगे जा रहे हैं। हम लोग डैम के ऊपर में हैं और डैम का ऊपरी हिस्सा ये है और निचला हिस्सा इस तरफ है। बहुत सारे लोग आए हैं घूमने के लिए और मैं तहसील और रितु को उनके मामा घर छोड़ने आया और साथ ही इन दोनों को हम घुमाने के लिए ले आए हैं सुलईपाड़ डैम। काफ़ी सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। उस तरफ एक टापू भी है, बहुत ज़बरदस्त व्यू पॉइंट है। ये देख सकते हैं दोस्तों, डैम के बीच में एक टापू है, एक इस तरफ है और ये छोटा वाला टापू है और उस तरफ एक टापू है और ये डैम का किनारा है। और ये डैम का निचला हिस्सा है। ये एक फटक है बंद पड़ा हुआ है और उस तरफ एक फटक है, उस तरफ एक फटक है, उस तरफ एक, चार फटक है और अभी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि अभी पानी का कमी है। और ये नीचे का हिस्सा है, थोड़ा बहुत अभी पानी है और उस तरफ काफ़ी सारे पहाड़ हैं किनारे किनारे। हम लोग इधर से आया और उस पहाड़ के ऊपर भी कुछ घर वगैरह बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। इतना सुना था उससे कई गुना सुंदर है दोस्तों। और ये तहसील मेरे साथ में है और रितु तो ऊपर है, उस तरफ खड़ी है रितु और अभी हम लोग ऊपर फिर से चढ़ेंगे। तब तहसील दौड़ते हुए चढ़ गया।
और यहाँ एक रास्ता है अंडरग्राउंड रास्ता, यहाँ से जा करके आप लोग जो है ना अंडरग्राउंड रास्ते के छोर में जा करके उस तरफ आप लोग निकल सकते हैं, लेकिन अभी इसको बंद करके रखा गया है। दोस्तों हम लोग काफ़ी जगह घूम लिए, ऊपर भी और नीचे भी, और उस तरफ ये देख सकते हैं दोस्तों व्यू पॉइंट काफ़ी सुंदर है। और ये तहसील दोनों आगे आगे जा रहा है, और अभी थोड़ा ये बहुत पुराना डैम हो गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, इस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए काम भी चालू हो चुका है। उस तरफ देख सकते हैं ये अभी इसको सौंदर्यकरण करने के लिए बहुत सारे काम चालू हो गए हैं, वहाँ गार्डन भी बनाया जा रहा है और पार्क भी बनाया जा रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए घूमने के लिए आते हैं। इसी व्यू पॉइंट के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को यह वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।